अपना जंगल का वास जेड़ा हुंदा है ना ओनू कोई नहीं पुल सकदा सारी लकड़ी अगन चैगी खे ना जो अग पर झो के भांबड़ मा झोकदा है ना वो सारा मां ही वास ही जंगल डू के रख दिंदा इसे तरह साडी जो इस संसार का नाश होना है ना उदो अपने जनसंख्या जो पाकिस्तान से आप कह लग पागे उदो चीन से रूस या पर जापान तीचड़ी आदा करके जो नाश करवाना उन्हें साडे विचो ये सारिया खतरना करके सानू पता करके रब किसी ने वेख्या प्या रब गया बंद मारन बंदे बंद मार दिया बंदे बंद पता कानून का दरबार पहले फिर पता लगता हम दो पुल जोड़ के एक खेल चाहिए नर नारी बिच उस खेल सेवा के जीते आपे तेरे मामे का गंगा में चलता है जे एस बंदे वोट दे एस बंदे कोच हो एस बंदे कोच है बड़ो बड़ी जी कर आउंदा इक दिहाड़ी होर राज महाराज ने फेरना फेर लिया 90 साल धरती से किन्ने शहर कीते अपनिया रीझा ला दया यात्रा में बड़े समा की सेवा गुरुद्वारे 25 साल में सेवा भी कर ली है बच्चा की भी कर दी हम से अपना जिदन आऊगा हुक्म मार कर उदन पुर जाएंगे हो भाई हो एक मामा सा दो सतारा जो अपनी चेरा कुछ कराची तक सारा मालिक हिंदुस्तान का अंग्रेज पहले ओदो बाद बहादुर शाह सी जेड़ा के औरंगजेब का मुंडा सी रंगजेब जिहड़ियां सत पातशाहियां बाबर तेवरलंग हुमायूं अकबर ते गाले बने जहांगीर जहांगीर तो गाड़ी बहादुर शाह ना शाहजहां शाहजहां तो गाले बने रंगजेब ते उदों बाद ए बहादुर शाह आउंदा बहादुर शाह नूं थोड़ा जिहा एक खौफ पै गया भाई जदों ऐडा मेरा पिता बहादुर ऐडा सूरमा इन्ना राज हुंदिया भी ए गुरु नानक दी गद्दी गुरु तेग बहादुर साहिब दे पुत्तर जेड़े गुरु हरगोबिंद साहिब आ इन्हां ने उहनूं जेल कर छड्डिया मैं कहिंदे पंगा लिया च मेरा भी कम ना कर दिया ए शर्म गया पिया महाराज ने पहलो फैसला कीता जिन्ने चिर साडी गद्दी दे नाल तुसीं सहमत रहोगे तुहाडा राज गद्दी पर गद्दी चलदा रहूगा जो साडे ना पंगा लोगे ना उदो ते राज जड़ा पुटिया जा बस फिर बहादुर शाह तो बाद मुड़के अंग्रेजा ने राज संभाल लिया अंग्रेजा ने फिर सारा हुण तैनू पता भी हिंदुस्तान केड़ा देश है कई पता ही कोई नहीं फिर बादशाह कौन है जंगल अपना ही टोर बना के बैठे हुए ने यह बादशाह लोग ना कोई डर गए ना कोई पैसे लै जाते चोर चते साढ़े डंगर लै गया वो आया वो डाकू ही सी सारे वो जेरे पुट फिर पानी का वेख्या हिसाब ना उन्हें सानू फिर एक एक मुरब्बा
साडे बाबे च मिल गए दो मुरबे जेडे बाबे साडे छोटे भरा से उन्होंने साडा दादा गया जूनी जमीन मिल गई उठे जाके नंबरदारी सन मिल गई नंबर डाई जा एक अंग्रेज ने कानून बनाया एक नंबर डाई ने मरबा लेंदे साढ़े को तीन मरबे हो गए पचहत्तर किले जमीन हो गए छे पैर एक मरबे से पानी हूं उदो पानी की शाही होनी पानी की छे गया जरा कौल लग गया तो मूह के दे हो जाते जे बरखा पै गई तो सारे चिड़िए सब ने आप दे लो जी साढ़ा तो जो उदो का उठो का कौल चलिया असी तो फिर मौजा उठे रहना हूँ गांह की की हिस्टरी बन गई भी एक जरैत महकमे का जंग बहादुर साहब साढ़े को आना हों अंग्रेज ने कार्ड कढ़ी भी गवर्नमेंट वास्ते काली जी लकड़ की लोड़ आ चाहिया बजाइए उन्होंने मुल्तान जिले के बच्च ना एक खाने तहसील च 15 पिंड रिक्वायर करता है इतने ये जमीन बड़ी जोर वाली आ चक्का भी लाई गई हूँ जोड़ा हैगा जंग बहादुर ओदा सौरा भी जरा ही ना वो तहसीलदार सी ते जमीन का कम सारा तहसीलदार के अंडर हुंदा आ उन्हें आदि सलाह की जे आप जट बंदे नाल आ के ये सारे मरबे आपा ही कब्जे करके वो एक मरबा एक साल चलाऊंगा गिन लो भी एक मरबा ते बाकी ना एक पिंड ते बाकी 25 पिंड जेड़े 25 साल च वो सारी चिट्टी लगनी सी वास्ते स्पैशल सूआ एक पानी का कट के लिया हूं पच्चीया पिंडा वास्ते वो आखांगे जी आप मालक बन गए ते आप थोड़ा बहुता बोली करके ते काबू कर लिया उन्हें फिर साडे बुढ़िया को आके गल की साडा एक टाया शेरसों से उन्हें सानू जमीन खाओ साहब जमीन वेखी जमीन भैन गया बड़ी जोर आई आंदे चलो उन्हें तुम इदा करो भाई 25-30-40 बंदे कट्ठे होके ना आ जाओ अपने अपने ते आपां थोड़े जे मुल से बोली तोड़ के काज पूरे करने तरीक आपां कागजां च मैं लिख देना फलानी तरीक नूं 25 मरबियां दी बोली होगी जिस किसी ने खरीदने या बोली देनी होवे वो आके बोली दे सकदा गवर्नमेंट वो सच्चा हो जाना है थले तु ही जाई जायो बोली जब भी 30,000 की 35,000 की 40,000 की 45,000 की एदा करद्या ना वो 60,000 से फुट मरबे असी 25 साल वास्ते 60 मरबे लै रहे 25 पिंड लै रहे हूँ 25 पिंड असी कि वाह सकते हैं अही फिर जो साडा अंग साख भैन भरा सब नू आख्या भी आ जाओ उठे जमीन बड़ी खुली है तो पानी बड़ा खुदा सब अही वाड़े उठे जेडे मरबे ना साडे को वगे वो असी जाके मरबे 1500 नू मरबा ठेके ते दे गए वो लोग कौन है बापू जी हुई छोले सरों खरार देंदे ही के पांच बूटे सरों दे नहीं चुके जांदे पांच बूटे पुट के सरों दे ना पंड बंद जी चुकी नहीं जांदी ऐडा ऐडा मोटा बूटा हो जाता इस तरह वो जेड़े नरमे ही ना
ਉਹ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਬਲਸੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਪੋਸ ਦਿੱਤੇ ਪੰਤਾਲੀ ਮਨ ਨਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਜਰ ਨੇ ਖੇਡ ਕੀ ਬਣਾ ਤਾ ਪਹਿਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ ਸਾਰਾ ਪੌਣੇ 4 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 16 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨੋਟ ਸਾਂਭੇ ਨਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ 4,000 ਮਣ ਪੱਕਾ ਨਰਮਾ ਕਿਸੇ ਦਾ 2,000 ਕਿਸੇ ਦਾ 5,000 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਨਰਮਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਸ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੂ ਵੀ 22 ਨਰਮੇ ਦਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ 30 ਨਰਮੇ ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ 90 ਲੱਖ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਰ ਪਲਾਂਟ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਪਈ ਜੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਪਈ ਉਹ 35 ਪਿੰਡ ਸਾਡੀ ਆਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੱਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਰਾਜਾ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਦੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਤਾਏ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਗਏ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ 5-10 ਦਿਨ ਰੋਲਾ ਗੋਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਟੇਕ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈਲਦਾਰ ਆਇਆ ਉਹ ਆਖਣਾ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਇਹ ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਕਣਕ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਉਹ ਕਣਕ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਦਰਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਦੀ ਨਾ ਵਾਰਸ ਬਸ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਅਸਾਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੁੜਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ 47 ਵਜੇ